गाइस सर, जिस आइलैंड को भी आप देख रहे हो ये है 500 मिलियन डॉलर्स का आइलैंड। और गाइस सर, इस वाले आइलैंड पर आपको सब चीजें मिलने वाली है, एक खतरनाक स्विमिंग पूल, यॉट्स और भी बहुत सारी चीजें जिसका आपने आज तक सिर्फ सपना देखा होगा। और गाइस सर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस 500 मिलियन, 100 मिलियन, 1 मिलियन, 1 लाख, 10,000 और 1 डॉलर वाले आइलैंड में, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे आइलैंड खरीद लिए हैं और हम देखने वाले हैं कौन सा आइलैंड सबसे खतरनाक होने वाला है। तो आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस सर, अभी हम जाने वाले हैं आज के अपने सबसे पहले आइलैंड पर जो कि होने वाला है 1 डॉलर का। और गाइस सर, आप देख सकते हो तो समुंदर की लहरों को चीरते चीरते हम लोग आ चुके हैं इस आइलैंड के पास और आप सबका स्वागत है हमारे 1 डॉलर के आइलैंड पर। और गाइस सर, ये आइलैंड थोड़ा छोटा नहीं है, पर 1 डॉलर में क्या ही मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें पत्थर दे दिए, ये आइलैंड तो कहीं से भी नहीं लग रहा और बार बार तो ये आइलैंड यहाँ पर डूबे जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा कचरा भी पड़ा है, पर वो तो अच्छा है यहाँ पर हमारा इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। आज गाइस सर, हम जितने भी आइलैंड देखेंगे उन सब पे इंडिया का फ्लैग होगा, क्योंकि गाइस सर उन सभी आइलैंड को मैंने खरीद लिया है और सब पे फ्लैग भी लगवा लिया है। तो ठीक है, ये 1 डॉलर के हिसाब से तो आइलैंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर 4-5 पत्थर है और थोड़ा बहुत कचरा भी पड़ा है, यहाँ पर आकर हम एक छोटी सी पिकनिक जरूर कर सकते हैं। तो और गाइस सर, जब मैंने ये आइलैंड लिया था तो उन्होंने बोला था पानी के अंदर जाने के लिए, चलो देखते हैं पानी के अंदर क्या है। और ये क्या चीज है, यहाँ पर तो कोई बड़े से मॉन्स्टर की हड्डियां पड़ी है, ये तो कोई व्हेल लग रही है, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, अपन फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइस सर, ये था हमारा 1 डॉलर वाला आइलैंड जो कि बहुत ही बढ़िया था, पर अब हम जाने वाले अपने 10,000 डॉलर वाले आइलैंड पर, देखते हैं वो कैसा होने वाला है। तो गाइस सर, अभी हम अपने 10,000 डॉलर वाले आइलैंड पर आ चुके हैं और मुझे पता चला है कि यहाँ पर हम अपना हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करवा सकते। मैं पता नहीं क्यों फालतू में हेलीकॉप्टर ले आया, तो हमें यहाँ से जंप करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फटाफट से जंप करते हैं, देखते हैं 1 डॉलर से 10,000 डॉलर वाले आइलैंड में कितना फर्क है। और पानी में हमारी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर आते ही सबसे पहले दिखती है हमें एक बोट, तो कम से कम यहाँ पर फ्री में बोट तो मिलती है, यहाँ से हम आराम से आ जा सकते हैं। और गाइस सर, ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 1 डॉलर वाला सही में बहुत ही ज्यादा छोटा था, पर ये आइलैंड सही में बहुत बड़ा है और यहाँ पर कुछ पेड़ वेड़ भी है। और गाइस सर, 10,000 डॉलर में हमें मिलती है एक छोटी सी आग और 3 बैठने की जगह और एक छोटी सी हट, यहाँ पर हम आराम से सो सकते हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं वो अलग बात है। और ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ी है, आसपास इसके मस्त मस्त पेड़ है। और ये क्या, यहाँ पर तो बंदर भी है, ये तो सही में बहुत ही बड़े हैं। आप देख सकते हो ये पेड़ों में भी अंदर बंदर बैठे हैं, कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। हेलो बंदर, कैसे हो? क्या हो गया? अरे मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं करना। भागो यहाँ से, ये बंदर तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे नहीं पता था इस आइलैंड पर इतने ज्यादा बंदर होने वाले हैं। पर जो भी है, ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये बड़ा भी है और इसके साथ में हट भी मिलती है और कुछ 10-15 बंदर भी मिलते हैं। तो आप यार फटाफट से कमेंट करके बताओ, आप इस 10,000 डॉलर वाले आइलैंड को क्या रेट करोगे? आपकी रेटिंग से फैसला होने वाला है कौन है सबसे खतरनाक आइलैंड। 1 डॉलर वाला हमने देख लिया, 10,000 डॉलर वाला देख लिया, अब बारी 1 लाख डॉलर वाले आइलैंड की। चलो फटाफट से चलते हैं 1 लाख डॉलर वाले आइलैंड को देखने। ओके सो गाइस सर, हम लोग आ चुके हैं अपने 1 लाख डॉलर वाले आइलैंड पर। और गाइस सर, अब थोड़ी महंगी बातचीत चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा सूट भी पहन लिया है। चलो फटाफट से देखते हैं हमें 1 लाख डॉलर वाले आइलैंड पर क्या मिलने वाला है, क्या कुछ खतरनाक मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दो बोट्स मुझे दिखाई दे रही है और दोनों स्पीड बोट है। और गाइस सर, यहाँ पर एक सस्ता हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, पर 1 लाख में हेलीकॉप्टर तो दिया है कम से कम, और अभी तो पूरा आइलैंड देखना बाकी है। इस हेलीकॉप्टर में 2 जने आराम से बैठ सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं इस आइलैंड के अंदर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस है इसकी बढ़िया सी, यहाँ से अंदर जाएंगे और आप देख सकते हो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैंने सोचा नहीं था ये घर इतना ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल, यहाँ पर 10-12 जने आराम से बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हो ये सोफा हर जगह से क्लोज है, अबे अंदर जाकर बैठेंगे कैसे, ये क्या बना दिया। और यहाँ से व्यू तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है और कांच को भी हम फोड़ सकते हैं। और गाइस सर, इस घर के अंदर ये खतरनाक सी विंटेज गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी है, इनको बाहर कैसे निकालेंगे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सिर्फ डेकोरेशन के लिए। ये कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, 1 लाख डॉलर वाला आइलैंड तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और अभी तक हमने
पूरा देखा भी नहीं है। और इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटी सी डाइनिंग टेबल किचन है और यहाँ पर चार चार टीवी वाला सेटअप, और यहाँ पर आराम से बैठकर चार चार टीवी एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के मीटिंग वीटिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये भी। और गाइस यहाँ पर हमारा बढ़िया सा एक बेडरूम भी हमें दे रखा है इस घड़ी के साथ, बहुत ज्यादा अच्छा है ये भी। और देखते हैं हमें इस घर में क्या क्या मिलने वाला है। और ये तो बाहर जाने का रास्ता है, अभी मुझे बाहर नहीं जाना। और इधर होगा अपना बाथरूम, जी हाँ बहुत ही बढ़िया बाथरूम भी यहाँ पर दे रखा है। ये $1,00,000 वाला आइलैंड इतना अच्छा है तो सोचो 1,000,000 कितना खतरनाक होगा, फिर 100,000,000 कितना खतरनाक होगा, फिर 500,000,000 कितना खतरनाक होगा, उसको देखने का बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक बढ़िया सा कंप्यूटर सेटअप बना हुआ है, मतलब पूरा ऑफिस चला सकते हैं इस आइलैंड पर। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी है ताकि हम मूवी वूवी देख सके, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर एक और बेडरूम जो कि बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ है। तो चलो यार गाइस, हमने ये वाला फ्लोर तो देख लिया, अब हम जाने वाले इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। सोचो यार कितने सारे फ्लोर देख रखे, सबसे नीचे वाले फ्लोर से हम आए थे मिडल फ्लोर पर, अब हम आ चुके टॉप फ्लोर पर। और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया किचन बना हुआ है, बढ़िया सा सोफा यहाँ पर दे रखा है, डाइनिंग टेबल भी दे रखा है। और ये क्या, यहाँ पर तो गेमिंग रूम बना रखा है। यहाँ पर देख सकते हो गेम खेलने के लिए कौन सा रख रखे, बास्केटबॉल, गेमिंग, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गेम्स। ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये $1,00,000 वाले ने सही में बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया मुझे। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक बढ़िया सी बीच में गाड़ी खड़ी है, इन्होंने गाड़ी से डिस्प्ले क्यों किया मुझे नहीं पता। और यहाँ पर एक लॉकर भी है, और ये पक्षी कहाँ से उड़ गए यहाँ पे, ये पक्षी हमारे घर के अंदर आ चुकी है। और इस लॉकर के अंदर आते ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स यहाँ पर पड़ी है, गेम वेम खेलने के लिए पड़े हैं, ज्वेलरी भी पड़ी है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और इतना सारा कैश को रख रखा है यहाँ पर, $1,000 के नोट भी यहाँ पर रख रखे हैं। और ये क्या, ये यहाँ पर हड्डियां वड्डियां भी रख रखी है। ये $1,00,000 वाला आइलैंड सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं तो वेट नहीं कर सकता वो $500,000,000 वाला देखने के लिए। इसमें इतनी सारी चीजें, तो उसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर जिम भी है, अरे और क्या क्या दोगे भाई, सब चीजें यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक और बेडरूम है, इस साइड हमारा ऑफिस है, इस साइड भी ऑफिस बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर एक और बेडरूम, कितने सारे बेडरूम है। और यहाँ पर एक और बालकनी जहाँ से पूरे समुंदर का व्यू आता है। तो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कैसा लगा आपको ये $1,00,000 का आइलैंड, मुझे तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। और ये तो सिर्फ आधी साइड थी, अभी उस साइड तो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो इसको आप क्या रेट करोगे, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और हम चलते हैं फटाफट से अपने अगले $1,000,000 वाले आइलैंड की तरफ। तो गाइस क्या आप तैयार हो देखने के लिए $1,000,000 वाला आइलैंड, लेट्स गो। ये रहा हमारा $1,000,000 का नया नया आइलैंड। और गाइस सबसे पहले आइलैंड पर आते ही मुझे बढ़िया सी यॉट दिखी थी जो कि बहुत सही में बढ़िया लग रही थी। ये क्रूज शिप नहीं है पर एक यॉट है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। चलो फटाफट से देखने अपने आइलैंड पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, और यहाँ पर छोटा सा वॉटरफॉल बना रखा है, और सामने अपना हेलीकॉप्टर खड़े रखने का एरिया है, पर वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं है। 10,000 वाले में हमें हेलीकॉप्टर मिला था पर इसमें नहीं मिला, ये क्या बात हुई। चलो देखते हैं हमें इसमें और क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर एक बढ़िया सा किचन बना हुआ है, यहाँ पर बीच में बैठने का एरिया, यहाँ पर बैठ के चिल कर सकते हैं, और बाहर मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। और ये दीदियां यहाँ पर कहाँ से गई, ये स्विमिंग पूल सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। और बाकी यहाँ पर गार्डन भी बहुत ही अच्छा बना रखा है। अभी हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर क्या मिलने वाला है। यहाँ पर अपना बढ़िया सा बाथरूम भी है, वो भी बाथटब के साथ। अभी हम जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पर, देखते हैं इस $1,000,000 वाले आइलैंड पर क्या खास है। और यहाँ पर आते सबसे पहले अपना बेडरूम, वो भी एक बढ़िया से व्यू के साथ, सामने सीधा सीधा समुंदर है, रात को सनसेट, शाम को सनसेट के टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पर बढ़िया सा सोफा है, यहाँ पर जाओ तो बालकनी है, सामने दीदी दिख रही है, इधर नहीं दिखेंगे। यहाँ पर अपने पास एक पूल टेबल भी है, और देखते हैं अपन इधर क्या है। यहाँ पर एक और बाथरूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और देखते हैं इधर क्या है। यहाँ पर एक और बढ़िया सा बेडरूम, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया अच्छा बेडरूम है। तो कैसे ये घर मुझे अच्छा लगा, पर इतना नहीं, क्योंकि कैसर इससे अच्छा तो $1,00,000 वाला था, उसमें कितनी सारी चीजें थी, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। पर कैसर ये समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए इसके पैसे थोड़े ज्यादा है, और ये दिखने में थोड़ा अच्छा है, बाकी चीजें इसमें बहुत ही कम है। और ये यॉट भी बढ़िया सी है। पर कैसर ये तो था सिर्फ $1,000,000 वाला, अभी कैसर $100,000,000 और $500,000,000 बाकी है। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं $100,000,000 वाले आइलैंड पर, देखते हैं $100,000,000 हमें कौन सा आइलैंड दिलवा सकते हैं। लेट्स गो। तो
गाइस सर अभी हम लोग आ चुके हैं अपने खतरनाक से 500 मिलियन डॉलर वाले। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो अभी हमारी लैंडिंग होने वाली है हमारे 100 मिलियन डॉलर वाले आइलैंड पर। गाइस सर ये आइलैंड सही में बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा मेंशन बना हुआ है और ये एक पूरा का पूरा पार्टी पेंशन पार्टी आइलैंड है। तो 1 मिलियन डॉलर वाला आइलैंड तो आप सबने देख लिया। अब देखो 100 मिलियन में क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर अंदर घुसते ही पार्टी पार्टी पार्टी, हर जगह पार्टी करने का एरिया है। यहाँ पर पूल खेलो पार्टी करो, यहाँ पर जाओ बास्केटबॉल खेलो, जकूजी में जाओ पार्टी करो, अंदर घुसो बाथरूम में पार्टी करो, यहाँ पर पार्टी करो, सारा का सारा पैसा आप देख सो कितना सारा यहाँ पर पड़ा है। ये आइलैंड सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कैसे जब मैं दूर से आ रहा था ना तभी मुझे दिख गया था। और यहाँ पे बढ़िया सा जिम भी है, यहाँ पर एक बढ़िया स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार बना हुआ, यहाँ पर आराम से अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था ये पार्टी मेंशन है, यहाँ पर होएगी सिर्फ पार्टी, यहाँ पर भी फुल मजे कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑफिस का काम भी बना रखा है। और ये अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल ने लगता है ज्यादा पी लिए, अपने आप से ही बातें करे जा रहे हैं। और अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाए तो यहाँ पर हमारा खुद का प्राइवेट कैसीनो बना हुआ है। यहाँ पर कैसीनो में हम गेम्स खेल सकते हैं, यहाँ पर टीवी देख सकते हैं। इस आइलैंड पर टोटल 83 टीवीज हैं और 83 सोफा भी। यहाँ पर देखो एक और बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। ये आइलैंड सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आज तक कभी इतने महंगे आइलैंड पर नहीं आया। पर गाइस सोचो ये तो 100 मिलियन वाला आइलैंड है, बस एक बार वेट करो 500 मिलियन वाले के लिए, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। मैं तो सोच सोच के बिल्कुल खुश होता जा रहा हूँ। यहाँ पर अपना बढ़िया सा बेडरूम है, यहाँ पर भी एक पक्षी उड़ रहा है, हर आइलैंड में एक पक्षी उड़ रहा है मुझे समझ नहीं रहा। यहाँ पर भी बड़ा सा सोफा है, सारे लोगों के साथ बैठ कर टीवी देख सकते हैं, यहाँ पर पूल भी खेल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया आइलैंड लगा मुझे तो। तो गाइस सर अभी तक हमने जितने आइलैंड देखे आप सबको कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस सर यहाँ पे हमें मिलती है खतरनाक सी प्राइवेट यॉट 100 मिलियन डॉलर्स। अगर आप खर्च करोगे एक आइलैंड पर तो आपको एक प्राइवेट यॉट भी मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। इस यॉट पर आप घूमने जा सकते हैं, पूरा देश पूरी धरती हम इस पर घूम सकते हैं। तो गाइस सर फटाफट से कमेंट करके बताओ ये 500 मिलियन डॉलर वाला आइलैंड आपको कैसा लगा। इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें थी, अलग अलग पार्टी स्पॉट पिकनिक स्पॉट। और गाइस सर मैं बता दूं इसके साथ और साथ साथ में आइलैंड है ना ये भी हमें फ्री में मिले इसके साथ, तो मुझे तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस सर ये था 100 मिलियन डॉलर वाला आइलैंड। अब हम जाने वाले अपने आज के फाइनल आइलैंड पे जो कि होने वाला है 500 मिलियन डॉलर्स का। कौन कौन उसको देखने के लिए एक्साइटेड है फटाफट से कमेंट करके बता दो, चलो चलते हैं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं अपने 500 मिलियन डॉलर वाले आइलैंड की तरफ। और गाइस सर ये आइलैंड इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं आपको प्लेन से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मिलती है 3 यॉट, 1 2 3, ये बहुत ही खतरनाक है। चलो फटाफट से जंप कर लेते हैं क्योंकि हमें वहां पर लैंड भी तो करना है। तो गाइस सर ये आइलैंड सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसका प्राइस है 500 मिलियन डॉलर्स और ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी आइलैंड है। तो अभी हम लैंड करने वाले सीधा इधर ऊपर और क्या ही बढ़िया लैंडिंग हमारी हो चुकी है। तो गाइस सर आप देख सकते हो कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी यहाँ पर हमने बना रखा है और यहाँ से डायरेक्ट हम जंप करेंगे स्विमिंग पूल के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमने बुलाया है पार्टी करने के लिए। जिसको भी पार्टी करनी होती है लॉस सैंटोस में उसका सपना होता है इस आइलैंड पर आने का और अब ये आइलैंड मैंने खरीद लिया है। यहाँ पर देख सो कितनी सारी सीट्स लगी हुई, सब आराम से आके फुल पार्टी वार्टी कर सकते हैं। यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है, जिसको टीवी देखना है टीवी देखो। और यहाँ पर बढ़िया सी गाड़ी भी खड़ी है, पूरी की पूरी डायमंड कार। और ये अपने अपने हेलीकॉप्टर भी है। और यहाँ पर देखो और भी बहुत सारी सीटें, पूरे आइलैंड पे हर जगह बार बने हुए हैं, हर जगह डिस्को लाइट्स लगी हुई है ताकि सबके सब पार्टी कर पाए। और वहां पर हमने जिम भी बना रखा है। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर थोड़े बहुत जिम की चीजें हमने लगवा दी, यहाँ पर बोट्स भी है बहुत सारी, सारे लोग जा जाकर समुंदर में फुल मजे कर। और सामने आप देख सकते हो डिस्को पार्टी यहाँ पर होती है रात को और यहाँ पर अपनी यॉट पर जाने का भी रास्ता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, रात में तो इधर के सीन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हर जगह पार्टी चल रही है, हर जगह फुल मजा चल रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे पास एक 500 मिलियन डॉलर का आइलैंड होगा। और गाइस सर वहां पर सारे के सारी पार्किंग है, सारे लोग वहां पर अपनी बोट्स को रोकते हैं और आते फिर हमारे आइलैंड पर। और यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर वाली रखने की जगह है और यहाँ पर और भी बार बार बने हुए पार्टी
करने के लिए। तो गाइज़र फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको 500 मिलियन डॉलर वाला आइलैंड। मुझे बताएं यहाँ पर कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें नहीं है, यहाँ पर मेरा घर भी नहीं है, कोई मेंशन भी नहीं है, पर गाइज़र ये आइलैंड सिर्फ मैंने खरीदा था पार्टी करने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, इन सारे लोगों को मैंने एक एक मिलियन डॉलर दिया यहाँ पर रहने के लिए अपनी जिंदगी भर के लिए। ये सारे लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाले, हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे। तो अगर आपको करनी है हमारे इस प्राइवेट आइलैंड पर पार्टी तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो 500 मिलियन डॉलर आइलैंड। मतलब आप हमारे किसी भी आइलैंड पर जा सकते हो, बस आपको उस आइलैंड का प्राइस कमेंट करना पड़ेगा। और इधर ग्रीनरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इधर यॉट्स का तो क्या ही कहना, तीन तीन सुपर यॉट्स हमारे पास यहाँ पर है फुल मजे करने के लिए। वो अंकल देखो आराम से मछली पकड़ रहे हैं, रुक जाओ अंकल को एक मछली खिलाते हैं। अंकल अभी आपके ऊपर एक मछली आने वाली है, फटाफट से कैच करो। अरे बेटा, और ये अंकल ने यहाँ पर मछली खा ली। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको 500 मिलियन डॉलर वाला आइलैंड। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि सबसे ज्यादा अच्छा आइलैंड आपको कौन सा लगा। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे फॉलो बजा के जॉइन फॉलो कर लेना, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।